हाँ जी, कैसे हो? ठीक हो? लाइफ सही जा रही है? बिजी है? एकदम मस्त। फुर्सत है थोड़ी सी? नहीं है? चलो आज इसी पे बात करते हैं, फुर्सत के ऊपर। आपको तो पता ही है, ये लास्ट वीडियो होगा जो हम बात कर रहे हैं प्यार के ऊपर। और प्यार के जो 5 लेवल सोचे थे, 4 तो हो गए हैं। खुद से प्यार, काम से प्यार, रिश्तों से प्यार, खुद से प्यार, अब ये लास्ट वाला है, खुदा से प्यार, भगवान से प्यार। अब पॉइंट ये है कि यहाँ तक खुदा से प्यार, भगवान से प्यार कैसे करें। चीज़ों से प्यार तो बहुत इजी है भाई, अगर ब्रश भी करना है, दांत चमकाने हैं, दांतों का ध्यान रखना है तो टूथपेस्ट तो चाहिए ना। किसी को इम्प्रेस करना है तो गहने वहने, परफ्यूम वर्फ्यूम तो पहनना पड़ेगा। किसी को इम्प्रेस करना है तो जॉब करनी पड़ेगी या बिजनेस करना पड़ेगा। लाइफ चलानी है, पैसे तो कमाने हैं ना। तो फिर अब पैसे कमाने किसके लिए? रिश्तों के लिए, उन पे ही खर्च करने। तो रिश्तों से भी प्यार है। ये 3 जो थे पहले वाले भाई, ये तो डिपेंडेंट है, किसी और के लिए है, किसी और पे डिपेंड करता है। फिर चौथा किया था हमने खुद से प्यार। खुद से प्यार का जो पॉइंट है कि बस वो खुद से प्यार करें तो करें कैसे। फिर हमने कहा था कि भाई आपको कैसा एम्बियंस चाहिए, वो प्रेफरेंस है। आपको चारों तरफ चीज़ें चाहिए, नौकरशाही चाहिए, या आपको अपना रिश्ते चाहिए। तो डेट वॉज द पॉइंट। अब ये वाला जो सिचुएशन है कि भाई खुदा से प्यार ये कैसे करें, इसके लिए मैंने आते ही आपको थोड़ा सा एक हिंट तो दे दिया था कि भाई टाइम है, फुर्सत है, अगर नहीं है तो भाई ठीक है, बाकी चारों में लगे रहोगे। अब ये वाला जो है, पहले मैं आपको एक जोक सुना देता हूँ कि भाई एक माँ ने अपने बच्चे को ट्रेन करने की कोशिश कर रही थी कि वो कुछ अपनी रात को सोने से पहले प्रे कर लिया करे। अब उसने पहली बार बच्चे को बोला कि भाई मेरे को तेरे को प्रेयर सिखानी है, रात को सोने से पहले आपने ये करनी है। तो बच्चे ने कहा मम्मा ओके। तो माँ ने प्रेयर सिखाई, कम से कम 10 मिनट लगे प्रेयर बोलने में। तो बच्चे को बुक दे दी कि भाई ये आपने प्रेयर पढ़ के आपने सोना है। तो पहले दिन माँ ने कहा तू जा रूम के अंदर, अपने आप प्रेयर पढ़नी है, ठीक है। तो अगले दिन वो रात को जब रूम में गया तो उसने वो प्रेयर पढ़ रही, माँ सुन रही थी। अब पहले दिन तो ठीक रहा कि पूरे बच्चे ने 10 मिनट लगाए पढ़ने में प्रेयर, माँ खुश कि चलो बच्चे आदत पढ़ रही है। पर चेक करना पड़ता है ना बार बार। नेक्स्ट रात को भी जब माँ ने कहा जब प्रेयर पढ़ के आ, 1 सेकंड में एक आवाज़ आई और बच्चा सो गया, लाइट ऑफ। माँ ने कहा प्रेयर पढ़ ली? बच्चे ने कहा हाँ माँ पढ़ ली। अगले दिन भी यही हुआ, जैसे ही बच्चा अंदर गया 2 सेकंड के अंदर लाइट बंद, प्रेयर पढ़ ली मम्मा। माँ हैरान है कि ये 15 मिनट वाली प्रेयर ये 1 सेकंड में कैसे पढ़ लेता है। पहले दिन तो उसने 15 मिनट लगाए, दूसरे दिन उसने 2 सेकंड लगाए, तीसरे दिन 2 सेकंड। अब माँ ने पूछा कि कर क्या रहा है ये। तो माँ ने बच्चे को बुलाया कि भाई, उसने बोला बेटा तू प्रेयर पढ़ता कैसे है, रात को 15 मिनट की प्रेयर तू कैसे जल्दी पढ़ लेता है। कहता माँ मैं तो बस एक ही वर्ड बोल देता हूँ। तो माँ ने कहा एक वर्ड? पर प्रेयर तो बहुत लंबी है, कौन सा वर्ड बोल देता है? बच्चा कहता है माँ डिट्टो। क्या डिट्टो, ये क्या मतलब हुआ? कह रहा माँ भगवान बेवकूफ थोड़ी है, उसे तो पता है ना कि मैंने कल क्या प्रेयर बोली थी। तो मैंने कहा वही की वही प्रेयर है, कुछ चेंज तो है नहीं, तो बस वही की वही प्रेयर समझ लो। और मैंने बोल दिया, भगवान समझदार समझ गया होगा। तो यही कहानी है। अब अगर खुद से प्यार है, खुद में उतरना पड़ेगा। आप ये देखो, खुद और खुदा दोनों वर्ड तो सिमिलर लग रहे हैं ना, पर थोड़ा सा ये इसमें खुद आ, खुद आ यानी अब खुद को आना पड़ेगा। पहले तो खुद से तो प्यार कर लो, अब उसी प्यार को और गहराना पड़ेगा, उसी प्यार को आपने और उसी में उतरना पड़ेगा, यानी खुद की ही गहराइयों में उतरना पड़ेगा। वो एक लेवल का मीनिंग आता है इस वर्ड से खुदा। और भी बहुत सारे मीनिंग हैं, पर अभी समझने के लिए यहीं से शुरू करते हैं। इतनी बुक्स हो चुकी हैं, इतने लोगों ने बोल दिया है, इतने वॉर्स हो गए हैं इसी के लिए ऊपर।
अब थोड़ा सा कुछ नया सोचना पड़ेगा कि भाई इसका रियल मतलब जा कहाँ रहा है। तो पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई खुदा इस खुद की गहराइयों में उतरने का नाम है। पहले खुद से तो प्यार कर लो, खुद से प्यार हो जाने के बाद उसी प्यार में डूब जाना है। अगर उसमें डूबे नहीं तो बाकी चीज़ें हमें लपेट लेंगी, वो चीज़ों का प्यार, काम का प्यार, रिश्तों का प्यार, ये एंड तो है नहीं इसका। काम ख़त्म नहीं होना, बंदा ख़त्म हो जाना है। चीज़ों का प्यार ख़त्म नहीं होना, बंदा ख़त्म हो जाएगा। रिश्तों का प्यार ख़त्म होना नहीं है, बंदा ख़त्म हो जाएगा। बस अब यही से एक समझना है कि पहले वाले जो तीन प्यार थे वो बाहर वाले हैं, खुद का जो प्यार है वो एक तरीके का न्यूट्रल गियर है कार का। कार चलाई है ना, ठीक ठाक हो गए, यानी अभी लाइसेंस बनवाया है, कोई बात नहीं, अभी लाइसेंस बन गया है तो गाड़ी भी आ ही जाएगी। पापा ने कार दे दी है, अरे वाह, सिस्टम सही है हमारे कंट्री में। लाइसेंस मिला नहीं है, गाड़ी पहले आ गई हाथ में आपके, चलो ठीक है, नॉर्मल लाइफ है। तो फिर यही है, अगर गाड़ी चलाई है तो खुद इज लाइक अ न्यूट्रल गियर, खुद से प्यार इज लाइक अ न्यूट्रल गियर। अब ये जो खुदा है, ये वाला जो प्यार है, ये तो क्या रिवर्स गियर है। रिवर्स गियर में तो गाड़ी उल्टी चलती है ना, तो पहले के जितने भी सारे गियर्स हैं, आपकी गाड़ी में चार गियर हैं, पांच गियर हैं, महंगी गाड़ी होगी फिर। अच्छा, पर रिवर्स गियर तो एक ही है, या रिवर्स गियर दो दो तीन लगा रखे हैं? रिवर्स गियर तो एक ही होगा यार। तो खुदा से प्यार इज लाइक अ रिवर्स गियर। जिंदगी में जितना भी आगे चले जाओ, सबसे प्यार कर लो, चीज़ों से, काम से, रिश्तों से, पर न्यूट्रल गियर से पास होना ही पड़ेगा जब भी आपको कोई गियर चेंज करना है। अच्छा, आपकी गाड़ी में गियर ही नहीं है, महंगी गाड़ी है यार। चलो, समझ तो रहे हो ना, जब आप टेस्ट देने जाते होगे, मैंने भी टेस्ट दिए हैं और कंट्रीज़ में भी, पर टेस्ट तो वो गियरलेस गाड़ी में नहीं होता, वो गियर वाली गाड़ी में ही टेस्ट लेते हैं वो। तो उस एंगल से समझ लो भाई कि अगर गियर चेंज करना है तो न्यूट्रल से तो पास होगा गियर। तो वही खुद से प्यार तो हर स्टेप में आ रहा है, भले ही आप चीज़ों से प्यार कर रहे हो, चीज़ों के प्यार से आपने रिश्तों में जाना है, पास तो खुद से प्यार में ही होना है। पर जब आपने अपना डायमेंशन बदलना है, रिवर्स गियर लगाना ही पड़ेगा, तो ये एक फुर्सत का काम है, ये ज़रूरत है। ज़रूरत है भगवान की, ज़रूरत है खुदा की लाइफ में कि नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं, अभी बिजी हो गए ना भाई। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि खुदा से प्यार का मतलब भी यही है, पहले तो आपको ज़रूरत होनी चाहिए। ज़रूरत नहीं है तो दुनिया के पचड़ों में फंसे हुए हो, है ना, चीज़ों के प्यार में, रिश्तों के प्यार में, काम के प्यार में, बॉस ने कुछ काम दिया होगा ना, वहाँ फंसे हो गए। जब थोड़ा टाइम मिलता होगा तब सोचते होगे कि भाई खुदा से भी प्यार कर ले, है ना। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनके हो जाते हैं तो वो भी सोचते हैं जब भाई घर संभल जाए तो कभी वीकेंड पे चले जाएंगे भी। तो एक तरीके की ज़रूरत है। कई लोगों का फुल टाइम ही यही काम है कि भाई खुदा से ही प्यार करना है, तो उनके लिए क्या करना है? तो एक तरीके से अगर आप ये सोचो कि भाई संडे, वो संडे को हमने क्यों मनाते थे, किसी को पता है संडे का क्या कारण था? There was a time कि भाई सिर्फ आपके 7 days working हुआ करते थे, छुट्टी होती ही नहीं थी। फिर किसी ने कहा कि भाई एक छुट्टी कर देते हैं संडे की, तो ताकि वो लोग चर्च जा सकें, मंदिर जा सकें, वो टाइम था। तो संडे का जो क्रिएशन था, इट वॉज बिकॉज कि भाई लोगों के पास थोड़ा टाइम हो कि वो मंदिर हो आएँ, चर्च हो आएँ, यहाँ हो आएँ, थोड़ा भगवान का नाम ले लें। पर आपने सुना होगा कि अब तो 5-day week भी चल रहा था बहुत सालों से, तो 5-day वाला वीक क्यों है? अरे भाई, वो एक कंपनी ने कहा था, जो सुनने में आया, कहानी है, फोर्ड कंपनी ने कहा था या किसी और कंपनी ने कहा था कि भाई लोगों के पास अगर पैसे बच रहे हैं तो वो खर्च भी तो करें ना, गाड़ियां खरीद ले रहे हैं पर गाड़ियां चलाने का टाइम ही नहीं है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि छुट्टी बना देते हैं सैटरडे का, तो लोग घूमाया करेंगे, तो लोग शॉपिंग कर लिया करेंगे, काइंड ऑफ अ थिंग। तो छुट्टियों का भी यही मतलब था, लोगों को थोड़ी फुर्सत दी जाए।
वो कहानी सुनी है ना छिपकली वाली, कि जो छिपकली चिपकी हुई है छत से और उसके दोस्त कह रहे हैं चल जरा पार्टी में चलते हैं, तो छिपकली कहती है अरे यार मैं बिजी हूँ, मेरे को बहुत काम मिला हुआ है, अगर मैं छत छोड़ दूंगी तो छत गिर जाएगी। उसके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है ये समझने की कि छत ने उसको संभाला हुआ है, उसने छत को नहीं संभाला हुआ। तो सारा का सारा गेम यही है, थोड़ी सी जिंदगी में फुर्सत लाओ ताकि आप बीच में एक गैप कर सको बिटवीन द लव दैट यू हैव फॉर योर वर्क, फॉर द थिंग्स, फॉर द रिलेशनशिप्स, इन तीनों के बीच में एक गैप लाओ। गैप का मतलब नेगेटिव नहीं है, गैप का मतलब है थोड़ा फुर्सत लाओ, गाड़ी न्यूट्रल गियर में चलाओ, थोड़ी देर न्यूट्रल गियर में रखो और कभी कभार रिवर्स गियर का भी मज़ा लो। रिवर्स गियर का मज़ा ये नहीं है कि रिवर्स गियर में गाड़ी चलानी है, रिवर्स गियर का यूज़ ही तब होता है कि व्हेन यू रियलाइज कि यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन एंड यू हैव टू लिटिल गो बैक और यू वॉन्ट टू पार्क योर कार डायरेक्टली, समटाइम्स यू हैव टू पार्क योर कार इन अ रिवर्स डायरेक्शन, तो वो भी करना पड़ता है, तो कभी कभार वो कर लिया करो। तो रिवर्स गियर इज काइंड ऑफ अ सिचुएशन दैट यू हैव टू रियलाइज। तो फॉरवर्ड गियर आपने बहुत चला लिए, जिंदगी भर चलते ही जाएंगे, जरूरी भी है, बट एक ये पता होना चाहिए गाड़ी में रिवर्स गियर भी है और ये रिवर्स गियर बहुत कम ही यूज होता है, पर अगर ये ना हो then you will be stressed out your whole life because you will miss the point every time. बहुत ही रेयर ऐसे घर होते होंगे कि जिसमें गाड़ी पार्किंग डायरेक्टली हो जाती है बगैर रिवर्स गियर का यूज किए, अदरवाइज मैक्सिमम घर जितने भी देखोगे रिवर्स गियर के बगैर गाड़ी में पार्क करना अपने घर में इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लकी हो अगर आप रिवर्स गियर यूज नहीं करते हो, ऐसा करो वापस करवा दो, थोड़े पैसे कम हो जाएंगे। तो यही है, खुदा का प्यार जरूरत नहीं है, जरूरत बनानी पड़ती है इन सम सिचुएशंस जो सबकी जिंदगी में आने ही वाली है। वो क्या है? डेथ। एक बार डेथ ही है जिसके कारण खुदा से प्यार के बारे में सब सोचते हैं। अगर डेथ ही नहीं होती, ऐसा कोई एक कहानी है कि भाई एक माँ का यंग बेटा 20 साल का मर गया, डेथ हो गई हादसे में, तो गौतम बुद्ध जी उसी गांव में आए हुए थे, तो माँ रोते हुए गौतम बुद्ध जी के पास गई है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो भगवान हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, तो मेरे ये यंग बेटे की डेथ हो गई है, आप इसे ज़िंदा कर दो और मैं ना सुनने नहीं आई हूँ, मैंने आपको इतना खाना पीना खिलाया है, आपको हक से बोल रही हूँ कि मेरे बेटे को ज़िंदा करो। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा ठीक है माँ, कोई चिंता नहीं है, पर एक शर्त है मेरी, तू एक शर्त मेरी पूरी कर दे, उसके बाद तू जो कहेगी मैं वो कर दूँगा। तो माँ ने कहा ठीक है, क्या शर्त है? उसने कहा माँ ये कटोरी है, ये कटोरी लेके आप किसी भी घर में चले जाओ गाँव में और उससे एक कटोरी चावल ले आओ, धान ले आओ। तो माँ ने कहा बस, ये तो मैं अभी गई और अभी आई। कहती बस आपने माँ जी ध्यान रखना है, आपने उस घर से आपने ये चावल लेके आने हैं जिस घर में कभी भी कोई मौत ना हुई हो, उस घर से लाना है। माँ तो माँ, माँ चल दी, माँ ने कहा अभी मैं आई। तो वो जिस घर में जाती है एक कटोरी चावल दे दीजिए, तो वो चावल फट से ले आते हैं। पर उन्होंने कहा आपके घर में कोई मौत तो नहीं हुई है? तो ये लोग सवाल पूछ के सुन के लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई माँ ऐसा तो हमारा घर नहीं है, हमारे घर में तो हमारे पिताजी की भी मृत्यु हुई है, दादाजी की भी हुई है, हर घर में जाओ किसी के घर में कोई ना कोई मृत्यु हुई हुई। पर माँ माँ वो अभी भी यही सोच रही है, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई घर तो होगा जहाँ मौत नहीं हुई है। तो वो पूरे मोहल्ले में पूरे गाँव में दिन से लेके रात तक वो घूमती रही कटोरा लेके, पर उसे कोई घर मिला नहीं। अब उसे वो घर मिला नहीं, शाम को वापस आ गई वो गुरुजी के पास और थक गई। तो माँ ने कहा बुद्ध जी आपने तो मुझे छल कर दिया, आपने ये छलावा करके अच्छा नहीं किया। तो उसने कहा माँ
बात ये है ही नहीं, बात बस ये है कि ये घड़ी हर घर में हर एक के साथ आने वाली है, क्या हम तैयार हैं उस घड़ी के लिए? बस यही सवाल है जो हम अवॉइड कर रहे हैं। तो अगर ये खुदा से प्यार है तो ये ज़रूरत है जिसको समझ में आ जाती है वो फुर्सत निकालेगा। ये नहीं है कि वो कहेगा कि मैं यहाँ बिजी हूँ वहाँ बिजी हूँ, वो फुर्सत निकालेगा, बिकॉज ये घड़ी तो आने ही वाली है। जब आने ही वाली है तो उसको समझ तो लें। रिवर्स गियर में गाड़ी पार्क करना जिसको आ गया वो तो गाड़ी की बात हुई, बट अपने अंदर खुद को समेटना जिसको आ गया वो भी तो एक काम है ना, वो कौन सीखेगा? तो उसके लिए गुरुजी बैठे हुए हैं। सो यू हैव टू गो टू अ गुरु, यू हैव टू गो फाइंड अ मास्टर जो आपको ये सिखा दे कि पहले तो खुद से प्यार कैसे करना है, कैसे अपने मन को बाहर से अंदर मोड़ना है और फिर अपने अंदर बिठा देना है। तो एक हिंदी का वर्ड है स्वास्थ्य, स्वस्थ का सिंपल मतलब होता है इंग्लिश में हेल्थ, बट अगर आप ये वर्ड में देखो स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब है स्व में स्थित, अपने अंदर कैसे एस्टेब्लिश हो जाओ उसको स्वास्थ्य कहते हैं। सो स्वास्थ्य का एक ये मतलब भी है कि खुदा इज लाइक व्हेन यू आर वेरी हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, देन यू आर विद गॉड, देन यू आर इन लव विद द गॉड। अगर स्वस्थ नहीं हो उसका उल्टा क्या है? ग्रस्त। एक तो गृहस्थ होता है, शादीशुदा हो तो वो गृहस्थ है, ठीक है, कहीं और हो तो वो बाहर निकले हुए हो, पर स्व में स्थित होना इज लाइक स्वस्थ है, वही हेल्दी है, वही हेल्थ है और वही खुदा का प्यार है। सो बस ये सीखना बहुत ज़रूरी है, पर ये बहुत सोचना पड़ेगा कि भाई टाइम निकालना पड़ेगा। यू कैन नॉट हैव एक्सक्यूजेस, इफ़ यू हैव एक्सक्यूजेस यू आर लाइक ड्राइविंग अ कार, you see there is a red light in front of you but you still don't have a time to slow down your car, and once you reach the red light you are going to bump it, you are going to hit somebody. So either you are going to become a murderer, you are going to become a, you will do a suicide, or you will die a normal death on the bed. 99% people, they die on the bed only. Very few people die on accidents, very few people die इन पेन। सो पॉइंट इज दैट के टाइम निकालना पड़ेगा अगर खुदा से प्यार है, और वो मजाक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो डिट्टो तो है ही लाइफ में। और सब ठीक है घर में? आज कौन सी मूवी देखने जा रहे हो? KGF? नहीं देखी? KGF पार्ट 2 भी आ गई है भाई, जाओ देख आओ, थोड़ा टाइम निकालो, फुर्सत है नहीं? चलो बाय। वो कहानी सुनी है ना छिपकली वाली, कि जो छिपकली चिपकी हुई है छत से और उसके दोस्त कह रहे हैं चल जरा पार्टी में चलते हैं, तो छिपकली कहती है अरे यार मैं बिजी हूँ, मेरे को बहुत काम मिला हुआ है, अगर मैं छत छोड़ दूंगी तो छत गिर जाएगी। उसके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है ये समझने की कि छत ने उसको संभाला हुआ है, उसने छत को नहीं संभाला हुआ। तो सारा का सारा गेम यही है, थोड़ी सी जिंदगी में फुर्सत लाओ ताकि आप बीच में एक गैप कर सको बिटवीन द लव दैट यू हैव फॉर योर वर्क, फॉर द थिंग्स, फॉर द रिलेशनशिप्स, इन तीनों के बीच में एक गैप लाओ। गैप का मतलब नेगेटिव नहीं है, गैप का मतलब है थोड़ा फुर्सत लाओ, गाड़ी न्यूट्रल गियर में चलाओ, थोड़ी देर न्यूट्रल गियर में रखो और कभी कभार रिवर्स गियर का भी मज़ा लो। रिवर्स गियर का मज़ा ये नहीं है कि रिवर्स गियर में गाड़ी चलानी है, रिवर्स गियर का यूज़ ही तब होता है कि व्हेन यू रियलाइज कि यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन एंड यू हैव टू लिटिल गो बैक, और यू वॉन्ट टू पार्क योर कार डायरेक्टली, समटाइम्स यू हैव टू पार्क योर कार इन अ रिवर्स डायरेक्शन, तो वो भी करना पड़ता है, तो कभी कभार वो कर लिया करो। तो रिवर्स गियर इज काइंड ऑफ अ सिचुएशन दैट यू हैव टू रियलाइज।